ब्रॉक लेसनर लौट कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस की धुनाई। नाया जैक्स के बॉच को लेकर हुई बड़ी कंट्रोवर्सी। रोमन रेंस ने क्यों किया आर्थर को सपोर्ट, जाने के सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो काफी गजब की होने वाली है क्योंकि आज के टॉपिक काफी धांसू। वीडियो की शुरुआत करते हैं नाया जैक्स की न्यूज के साथ। तो आज मंडे नाइट रॉ में हमने नाया जैक्स का मैच देखा जो कि कैरी सेन के खिलाफ था। यह मैच दोस्तों काफी कंट्रोवर्सीज में आ चुका है सामने क्योंकि गाइस इस मैच में एक ऐसा स्पॉट था नाया जैक्स का जो कि वो मिस की एक तरीके का बॉच। हमने देखा कि कैरी सेन को जब उन्होंने कॉर्नर पर उठाकर पटका तो गाइस वहां उनका जो सर था वो सबसे ऊपर वाले टर्न बगल से कनेक्ट होना था लेकिन वो सबसे नीचे वाले से कनेक्ट हुआ और एक तरीके से गर्दन उनकी स्नैप कर गई। कई रेसलर्स का दोस्तों करियर गर्दन के चटकने से ही खत्म हो गया और इसके चलते रेसलर्स ही नहीं दोस्तों जो फैंस है काफी ज्यादा गालियां दे रहे हैं नाया जैक्स को। लेकिन नाया जैक्स ने दोस्तों जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। नाया जैक्स ने दोस्तों इस वीडियो के ऊपर ये रिएक्शन दिया अपना जो कि आपकी स्क्रीन पर आया। नाया जैक्स के अनुसार कैरी सेन इस चीज पर कुछ भी नहीं कर पाई लेकिन शायद रोंडा राउजी इसका कुछ कर पाए, यानी कि दोस्तों अब वो चैलेंज करने लगी है रोंडा राउजी को। इससे पहले उन्होंने एक बार पहले भी किया था चैलेंज और एक बार यहां भी उन्होंने चैलेंज ठोक दिया, दो बार चैलेंज कर दिया है। रोंडा दोस्तों अपने रिटर्न पर नाया को तोड़ सकती है और होप करते हैं ऐसा हो क्योंकि गाइस नाया जैक्स ने जो आज बॉच किया है साफ कर दिया है कि नाया जैक्स भी काफी अनसेफ वर्कर है। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो गाइस इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी उन दो रेसलर्स से जिन्हें WWE यूज करने वाली है आफ्टर देयर रिलीज। तो आप जानते हैं कि दो रेसलर्स कौन से हो सकते हैं। पहले तो आप जानते हैं कि ड्रेक मैवरिक रहने वाले हैं, ड्रेक मैवरिक क्रूजरवेट चैंपियनशिप या फिर कह लीजिए जो क्रूजरवेट की टूर्नामेंट होने वाली है उसका पार्ट है, तो उन्हें 90 दिन तक WWE यूज करने वाली है, उसके बाद दोस्तों WWE को छोड़ देंगे। वहीं जो दूसरी रेसलर है वो काफी शॉकिंग है, उनका नाम सुनेंगे आप, वो है सैरा लोगन। सैरा लोगन का दोस्तों WWE यूज करने वाली और बताया जा रहा कि आज मंडे नाइट रॉ में उनका यूज होने वाला था, एंड मोमेंट पर उन्हें शो से निकाला गया या फिर कह लीजिए दोस्तों उनका यूज नहीं किया गया, एंड मोमेंट पर डिसीजन लिया गया। सैरा लोगन पर दोस्तों अपडेट यह है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स उन्हें अभी भी मेन रोस्टर में देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो जो सुपरस्टार्स जो कि WWE के अंदर है जैसे कि रूबी रायट हुई, उनकी फ्रेंड लिव मॉर्गन हुई, वो दबाव बना रही है आपके विंस मैकमैन के ऊपर कि 90 दिन तक जब तक उनका जो नो कम्पीट क्लॉज है वो खत्म नहीं हो जाता वो WWE के अंदर बने रहे। और इसीलिए दोस्तों अब आगे जाकर आपको सैरा लोगन मंडे नाइट रॉ में कम्पीट करते हुए नजर आ सकती है। और गाइस यहां मैं सिर्फ 90 दिन की बात कर रहा हूं, अगले 90 दिन तक WWE इनका यूज कर सकती है, उसके बाद इन्हें भी WWE को छोड़ना होगा। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो गाइस इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस ने दोस्तों मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद काफी क्रिप्टिक मैसेज किया या फिर कह लीजिए ट्वीट किया है। दरअसल इस ट्वीट में दोस्तों जो सेथ है वो क्या चीज लिखे, वही चीज लिखे कि नाउ मोर देन एवर हैव फेथ इन मी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा सैथ क्यों कह रहे हैं, सैथ तो एक हील है और फेथ की वो बात क्यों कर रहे हैं। तो आज आपने देखा कि रॉ के अंदर दोस्तों जो उन्होंने प्रोमो काटा है वो किसी भी तरीके से एक हील प्रोमो नहीं लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सैथ रॉलिंस बेस्ट वर्सेस बेस्ट कराना चाहते हैं और सैथ रॉलिंस खुद को भी बेस्ट बताते हैं, ड्र्यू को भी बेस्ट बताते हैं। और ये चीज़ दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि वो एक हील है, उन्हें नीचा दिखाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ सैथ अपने जो फॉलोवर्स है उनसे चाहते हैं कि वो उन्हें सपोर्ट करें। तो क्या आप सैथ को सपोर्ट करेंगे, वीडियो के अंत में जरूर बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों जिम रॉस से, जिनके अनुसार द रॉक बन सकते हैं नए प्रेसिडेंट USA के। तो जिम रॉस ने दोस्तों हाल ही के इंटरव्यू में एक सवाल का जवाब दिया। सवाल ये था कि द रॉक जो है क्या उनका पॉलिटिकल करियर चल सकता है, जैसे कि कई रेसलर्स पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बाहर। दोस्तों आप जानते हैं कि जो मैट मॉर्गन है वो मेयर है, हमारे केन मेयर है एक स्टेट के। वहीं दोस्तों यहाँ जो जिम रॉस है उनके अनुसार जो द रॉक है वो काफ़ी बड़ा नाम है, अगर वो USA की प्रेसिडेंसी के लिए लड़ते हैं तो आसानी से इलेक्ट हो जाएंगे और बन जाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ दोस्तों जिम रॉस ने ये चीज़ भी कही कि अब USA की जो राजनीति है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, लोग कोरोना वायरस जैसे इशू में भी राजनीति खोज रहे हैं,
तो यहाँ द रॉक को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो हाथ डालता है राजनीति में तो प्रेसिडेंट जरूर बनेगा। तो द रॉक एज ए प्रेसिडेंट, क्या ओपिनियन है आपका? हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों बिग डॉग रोमन रेंस से, जिन्होंने किया है आज आर्थ्रूथ का समर्थन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानते हैं कि नहीं, आर्थ्रूथ दोस्तों एक सिंगर भी है, और गाइस जो उनका थीम सॉन्ग है वो कहीं ना कहीं आर्थ्रूथ ने ही लिखा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गाइस आर्थ्रूथ ने हाल ही में एक सॉन्ग निकाला है जिसे दोस्तों रोमन रेंस प्रमोट करें अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। तो गाइस रोमन रेंस ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डाली जिसके अंदर हमें आर्थ्रूथ यानी कि रॉन क्लिंग्स का गाना सुनने को मिलता है। यहाँ दोस्तों जो रोमन रेंस है वो आर्थ्रूथ के काफ़ी अच्छे मित्र है ऐसा बताया जा रहा है, और जो आर्थ्रूथ है उनका वो समर्थन कर रहे हैं और लोगों को विवश कर रहे हैं कि जाकर उनकी वीडियो हम देखें यूट्यूब के ऊपर। तो आर्थ्रूथ दोस्तों जो कि एक सिंगर कम रेसलर ज़्यादा है, वो रोमन रेंस के काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और रोमन रेंस इन छुट्टियों में समर्थन कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सही चीज़ है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है द बेस्ट ब्रॉक लेसनर से, जो कि कर सकते हैं मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर के ऊपर हमला। तो अगर दोस्तों आज की रॉ आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सेथ ने जो अपना प्रोमो काटा था मंडे नाइट रॉ में, जो कि विया सैटेलाइट काटा था, उसके अंदर दोस्तों सेथ रॉलिंस का कहना ये था कि वो और ड्रू मैकइंटायर एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त किए हैं जो कि बेहद कम लोग प्राप्त किए हैं, और यही चीज उन दोनों के बीच में सिमिलर है, और वो है बीस्ट को क्लीन हराना। तो आप जानते हैं सेथ रॉलिंस दो बारी हरा चुके हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। वहीं दोस्तों ड्रू की बात की जाए तो ड्रू ने इस बार की रेसलमेनिया में हराया है, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने टॉन्ट किया है ब्रॉक को, ये चीज उन्हें गुस्सा भी दिला सकती है। यहाँ दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो साल 2018 ब्रॉक लेसनर दोस्तों हेल इन अ सेल में अपना रिटर्न किए थे, फाइट हो रही थी ब्रॉन स्ट्रोमैन बनाम रोमन रेंस के, और वहां दोस्तों जो टाइटल था यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो दाव के ऊपर थी। यहां दोस्तों हमें ऐसी सिचुएशन फिर से बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को इंसल्ट किया गया है, ब्रॉक लेसनर को मंडे नाइट रॉ में नीचा दिखाया गया है, ब्रॉक पास्ट में ऐसा किए हैं, यहां भी ऐसा हो सकता है, और गाइस कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिल सकती है और काफी शॉक भी कर सकती है कि ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं दोनों के मैच के मध्य, दोनों को लगाए हैं तगड़े वाले घूम चक्री F5, और उसके बाद वहां से निकले पॉल हैमन के साथ टाइटल थोड़ी देर हाथों में उठाकर। तो गाइस ब्रॉक लेसनर ले सकते हैं अपने अपमान का बदला। आपको स्पेक्यूलेशन कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, साथ ही आपको क्या लगता है क्या इस चीज के चांसेस बनते कि नहीं, एक बारी को अपने दिमाग में सोच के कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। आज की वीडियो इतनी, पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।